हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनआर किचन। आज हम सांभर बनाएंगे, जिसे आप इडली, डोसा, मेंदू वड़ा किसी के भी साथ सर्व कर सकते हैं। तो हम पहले सांभर के लिए सांभर मसाला बनाएंगे। तो ये गैस पे मैंने एक कढ़ाई ले ली है, अब हम गैस ऑन कर देंगे और इसमें हम पहले ये सूखा धनिया, इसे ड्राई रोस्ट करेंगे। हमें सारे मसालों को मीडियम हीट पे रोस्ट करना है। धनिया के साथ हम 1 टीस्पून जीरा और साथ में 1 टीस्पून मेथी। अब हम इसे हिलाते हुए अच्छे से रोस्ट करेंगे। जीरा का कलर थोड़ा चेंज हो जाए तब हम इसमें दूसरे मसाले ऐड करेंगे। इसे हिलाते ही रहें आप, नहीं तो एक साइड से मसाले जल जाएंगे। अब हम इसमें 1/4 टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून चना दाल और 1 टीस्पून उड़द दाल। अब इन चीजों को भी मसाले के साथ अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। अब हमें तब तक अब इसको भुनना है जब तक चना दाल के एक भुनने की अच्छी सी स्मेल शुरू हो जाए, तब तक अब हम इसको रोस्ट करेंगे। अब हम इसमें 4 से 5 सूखी मिर्च और साथ में ये मैंने अभी फ्रेश नारियल लिया है, आपके पास सूखा नारियल हो तो भी आप ले सकते हैं, और साथ में करी लीव्स, इसको भी हम साथ में ही अंदर डाल देंगे। अब इसको भी अच्छे से रोस्ट करेंगे। ये मसाले रोस्ट हो चुके हैं, अब इसे हम ठंडा कर लेंगे। ये मसाले ठंडे हो चुके हैं और मैंने इसे एक मिक्सी जार में ले लिया है। अब हम इसमें 1/4 टीस्पून हींग और 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर डाल के इसे पीस लेंगे। ये मसाला हमारा अच्छे से ग्राइंड हो चुका है, अब हम सांभर बनाएंगे। ये मैंने कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच तेल ले लिया है। अब इसमें 2 सूखी लाल मिर्च, 1 टीस्पून राई क्रैक हो जाए तो इसमें हम अब राई को क्रैक हो जाने दे अच्छे से, और इसमें 1/4 टीस्पून मेथी दाना ऐड करेंगे। ये राई क्रैक होनी शुरू हो गई है, अब हम इसमें 1/4 टीस्पून मेथी दाना ऐड करेंगे और साथ में 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। अब हम इसमें ये मैंने 1 प्याज को बारीक काट लिया है, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। और प्याज थोड़े पक जाए तब तक हम इसे हिलाते हुए पकाएंगे। ये कांदा पक चुका है हमारे। अब हम इसमें ये मैंने गाजर ले ली है, इसको बारीक काट लिया है और साथ में दूधी ली है। अब इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और दूधी और गाजर थोड़े पक जाए तब तक हम इसे ढक के पकाएंगे। ये दूधी और गाजर थोड़े पक चुके हैं, अब हम इसमें मसाले कर देंगे। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, 1/2 टीस्पून धनिया जीरा पाउडर और ये एक बारीक कटा हुआ टमाटर। इन सब चीजों को भी अच्छे से मिला के हम फिर से इसे ढक के हम
टमाटर गल जाए तब तक इसे पकाएंगे। टमाटर थोड़े गल जाने चाहिए। अगर आप चाहें तो इसमें दूसरी सब्जी अपने पसंद की भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसे ढक के पकाएंगे। अब हम देख लेते हैं, ये दूधी भी हमारी थोड़ी पक चुकी है और टमाटर भी थोड़े गल चुके हैं। अब हम इसमें 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, जिससे कलर भी अच्छा आएगा सांभर का और टेस्ट भी आएगा, और साथ में जो हमने मसाला पीसा हुआ है बनाया फ्रेशली, वो मसाला 1 टीस्पून डालेंगे। और ये मैंने ड्रमस्टिक को एक बॉईल कर लिया है, इसको एक सीटी लगा के इसको एक बॉईल कर लिया है, इसे और साथ में हम डालेंगे। अब सब मसाले को अच्छे से सब्जियों के साथ मिक्स हो जाए तब तक हम इसे पकाएंगे। थोड़े मसाले पक जाने चाहिए। अब हम इसमें बॉइल दाल, ये मैंने तूर की दाल ली है, इसको मैंने हल्दी और नमक डाल के 4 विसल कर लिया है, वो हम अब इसमें डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ये दाल एकदम बहुत घाटी लग रही है, हमें ठीक लग रही है, तो अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे। अभी इसको एक बॉईल आ जाने देंगे हम। पहले ये हमारा दाल में बॉईल आ चुका है, अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। अभी मैंने आधा ग्लास जितना पानी ऐड किया है, आप जितना इसे ठीक रखना चाहे या पतला रखना चाहे वो आपके हिसाब से आप कंसिस्टेंसी इसकी सेट कर सकते हैं। मुझे थोड़ा घटा लग रहा है, ठीक लग रहा है, मैं थोड़ा पानी और ऐड कर रही हूँ। अभी मैंने 1 ग्लास पानी डाल दिया है इसमें, अब हम इसे अच्छे से बॉईल होने देंगे। अब हम इसमें 3 चम्मच जितना इमली का पानी ऐड करेंगे, और मैं अभी इसमें 1 चम्मच गुड़ डाल रही हूँ। अगर आपको मीठा नहीं पसंद है तो आप मत डालिए, अगर आप चाहे तो शक्कर भी डाल सकते हैं, लेकिन अभी मैं गुड़ डाल रही हूँ। अब इसको भी मिक्स करके अच्छे से सांभर को बॉईल होने देंगे। ये सांभर अच्छे से बॉईल हो चुका है और इसकी थिकनेस भी अच्छी आ चुकी है। देखिए घर के बने हुए पीसे हुए मसालों से भी कितना अच्छा कलर और अभी स्मेल भी इतनी अच्छी आ रही है। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अब हम फाइनली इसमें चॉप धनिया डाल देंगे तो ये सांभर रेडी है। ये हमने सांभर को सर्व कर दिया है। और अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, जिससे अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।